हिंदुस्तान की आवाम के पास बहुत बड़ा है, लेकिन अफसोस ये है कि इस हिंदुस्तान में जितनी कौमें आबाद हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कौम इस हवाले से गफलत में है उसे मुसलमान कहते हैं। जिन कौमों ने इस मुल्क में वोट की ताकत को समझा है वो कौमें तरक्की कर गई। हम समझ बूझ से काम ले लें और इसको एक दीनी फरीजा समझ करके काम करें तो इंशाल्लाह हालात का रुख हम बदल सकते हैं। हम से मतलब मुसलमान। कौम को सामने रखकर अगर तुम वोट दे देते तो तुम अपने निजाम हुकूमत को तब्दील कर सकते थे कि पिछली बार जो हुकूमत बनी है वो हमने बनवाई, आपको यकीन नहीं आया वो हमने बनवाई। हमसे मतलब मुसलमानों ने। ये बहुत बड़ी रिश्वत है, ये जो रिश्वत एक सरकारी दफ्तर बैठकर मुसलमान ले रहा है किसी जाती काम के लिए वो छोटा गुना है, लेकिन कौम को बेचने के लिए जो लोग रिश्वत लेकर के इलेक्शन में वोट इधर से उधर करा रहे हैं वो सब गुना के मुर्तकिब हैं।